संजय दत्त मुन्ना भाई 3 की शूटिंग जल्द से जल्द क्यों शुरू करना चाहते हैं और मुन्ना भाई 3 को अभी से 300 करोड़ी फिल्म क्यों कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की हालिया रिलीज फिल्म प्रस्थानम बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे में संजय दत्त अब अपनी हिट फ्रेंचाइजी मुन्ना भाई के साथ फिर से कमबैक करने का मन बना रहे हैं। 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त और अरशद वारसी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। इसके बाद 2006 में इसका सीक्वल आया था। ये मुन्ना और सर्किट की दोस्ती को नए आयाम पर ले गया था। फैंस इस कॉमेडी फिल्म के एक और सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी बहुत पहले ही इसका सीक्वल बनाना चाहते थे, लेकिन संजय दत्त अपने कानूनी मसले सुलझाने में लगे हुए थे। निर्देशक राजकुमार हिरानी और लेखक अभिजात जोशी ने मुन्ना भाई सीरीज की तीसरी फिल्म मुन्ना भाई चले अमेरिका, जिसमें मुन्ना भाई यानी संजू बाबा अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा से मिलने के लिए अमेरिका जाते हैं, की प्लानिंग की थी। लेकिन अब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, इसलिए अब इस फिल्म के लिए किसी अन्य स्क्रिप्ट की तलाश है। संजय दत्त ने भी इसके लिए अपना मन बना लिया है। संजय दत्त ने हिरानी को ये बता दिया है कि वो मुन्ना भाई 3 को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। खबरों के अनुसार जेल से लौटने के बाद संजय दत्त की हर फिल्म फ्लॉप साबित हुई, जबकि उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म संजू ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की, जो ये साबित करता है कि संजू बाबा लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। उन्हें बस एक अच्छी फिल्म की तलाश है और वो मुन्ना भाई 3 हो सकती है। वेल, आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं संजय दत्त को मुन्ना भाई 3 में देखने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।